हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज का टॉपिक है बाल झड़ना, असमय पकना, सफेद होना और कच्चे होना, बाल बार बार टूटना। देखिए इसमें फर्स्ट आता है वज्रासन। वज्रासन ये डायमंड पोज है और वज्रासन आपका डाइजेशन करने में मदद करता है और बालों की कोशिकाओं को पोषक तत्वों की आपूर्ति करने में मदद कर सकता है। इस प्रकार उन्हें टूटने और क्षति करने से बचाता है। अब इसमें सेकंड आता है दी उष्ट्रासन। उष्ट्रासन इसे कैमल पोज भी कहते हैं। ये बालों का की ग्रोथ के लिए होता है और इससे बालों का झड़ना कम हो जाता है। इसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है सर तक, इसलिए यह बालों को असमय सफेद होने से भी बचाता है। अब इसमें थर्ड आता है, देखिए थर्ड आता है इसमें अधोमुख शनासन। ये भी आप इसको डार्क पोज भी कहते हैं और ये स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा काम करता है आपके, क्योंकि आपका सर नीचे हो चुका है, इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन रिवर्स होता है। तो ये जो है आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है, जिससे बालों को बढ़ने में मदद मिलती है। ये सफ़ेद या भूरे बालों का भी बढ़ना कम हो जाएगा इससे, ऐसा करने से, और जो है आपके लिए पॉजिटिव काम करती है ये आसन। अब देखिए इसके बाद आता है देखिए ये है शीर्षासन, अर्ध शीर्षासन। ये उल्टा लटकाने से आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिससे बालों का की ग्रोथ होती है। यह आसन तनाव को, डिप्रेशन को भी दूर करने में मदद करता है, जिससे आपका माइंड शांत होता है और ये बालों का झड़ना, गंजापन, बालों का पतला होना इस जिससे कम हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट आता है बालासन। देखिए बालासन में भी सर को बहुत अच्छा रिलैक्स मिलता है, इससे एंडोर्फिन हार्मोन का भी सिक्रेशन होता है, जो आपके टेंशन को कम होता है। तो अगर टेंशन से आपके बाल झड़ रहे हैं तो ये टेंशन को कम करता है, रिलीज करता है, डिप्रेशन ख़त्म करता है। तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा आसन है बालों की ग्रोथ के लिए। असमय बालों का झड़ना, बहुत ज़्यादा पतला होना, सफ़ेद होना, भूरा होना और स्कल्प में ऐसे बाल उड़ जाना, इन सब के लिए आसन बहुत अच्छा है। ये देखिए ये तो लास्ट है अट्टहास आसन। अट्टहास आसन आप सभी जानते हैं, हंसना सेहत के लिए कितना अच्छा है, बहुत अच्छा आसन है फ्रेंड्स ये। आप हमेशा हंसा करिए, जब तक आपको नेचुरली हंसी नहीं आ जाए तब तक आपको हंसना बंद नहीं करना है। तो देखिए इसमें हंसी, आप हंसने से आपका सारा तनाव डिप्रेशन दूर होता है, जिससे आपका ये सब ठीक होता है। अब देखिए इसके बाद बात आती है इसकी, क्या बोलते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स में देखिए ये होता है चिन्ह मुद्रा। देखिए चिन्ह मुद्रा है, बहुत अच्छी है, ये हेयर फॉल के लिए है और फास्ट एंड हेयर ग्रोथ के लिए है। अब इसके बाद ये सेकंड आती है चिन्ह मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा। ये वाली जो अभी आप देख रहे हैं ये वाली मुद्रा है चिन्ह मुद्रा, ये वाली चिन्ह मुद्रा है, इससे पहले वाली पृथ्वी मुद्रा थी। तो ये दोनों मुद्राएं आपके हेयर ग्रोथ को फास्ट करती हैं प्लस हेयर फॉल कंट्रोल करती हैं, पृथ्वी मुद्रा और चिन्ह मुद्रा, ये दोनों मुद्राएं। अब है ये प्रसन्न मुद्रा। प्रसन्न मुद्रा आप सभी जानते होंगे, नाखून रगड़ना आपस में, ये भी बहुत अच्छी चीज है। ये आपके हेयर उसके लिए बहुत अच्छी है, बाल बढ़ाती है, ये नए बाल उगाती है, पुराने बालों को झड़ने से रोकती है, बालों को काला करती है। ये देखिए नाम इसका प्रसन्न मुद्रा, इससे आपका संबंध प्रसन्न रहने से भी है। योगासन एक्सरसाइज और जो है एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की बात है, अब इसके लिए आता है देखिए आप ऑयल यूज कर लीजिए, नारियल का प्योर नारियल का तेल ले लीजिए, उसमें तुलसी पत्ता, आंवला और जो है आप ये मीठा नीम और गुड़हल के फूल, ये सारी चीजें जो देसी चीजें हैं ये सारा, ये भी बहुत ज्यादा फायदा करती हैं। दालचीनी है और जो है देखिए बादाम का तेल है, ये सारी चीजें मिलाकर और बॉइल करके, और जैसे बहुत सारी प्रोसेस हैं ये सारी ऑयल बनाने के अलग अलग, तो सारा ऑयल बनाकर रख लीजिए। और देखिए पांच ऑयल भी आप आपस में मिला सकते हैं, पांच ऑयल देखिए एग्स का ऑयल आता है और ब्राह्मी का ऑयल आता है और जो है ये भृंगराज ऑयल आता है और जो है नीम का तेल आता है, आंवले का तेल आता है, बादाम का तेल आता है,
और ये आता है और क्या कहते हैं इसको, देखिए ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, उसका तेल आता है। देखिए ये सारा तेल मिला के और पांचों तेल मिला के रख लीजिए। तो ये तेल से आप सिर की मालिश कीजिए, इसको हल्का सा गुनगुना कर लीजिए, सर्दियों की धूप में कटोरी में रख लीजिए, इन सबको मिलाकर और सिर की मालिश कीजिए अच्छे से, तो उससे भी बहुत अच्छा हो जाएगा। इसमें आप विटामिन ई के जो कैप्सूल्स आते हैं छोटे छोटे, एक दो वो डाल लीजिए करके, तो ये सारी चीजें मिला के आप सिर की मालिश कीजिए। प्लस खाने में आप आंवले का ज्यादा से ज्यादा सेवन कीजिए विटामिन ई के लिए, और गाजर के लिए, गाजर भी विटामिन ई होता है, गाजर भी यूज कीजिए आप, एग्स यूज कीजिए आप, दूध यूज कीजिए, पनीर खाइए, इन सब चीजों से भी आपके सिर के बाल झड़ना बंद होते हैं और जो है गिरना बंद होते हैं और नए बाल आना शुरू होते हैं, असमय सफेद नहीं होते हैं और बाल पतले नहीं होते हैं, तो उनकी ग्रोथ अच्छे से होती है। तो फ्रेंड्स ये सारी चीजों का ध्यान रखिए और जो है मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।